आज हम चलते हैं कबूतरों की दुनिया की सैर पर, जहां पर आप कबूतरों की ऐसी ऐसी प्रजातियों को देखने वाले हैं जिन्हें देखने के बाद यकीनन आपका दिन बन जाने वाला है, क्योंकि कबूतर को शांति का प्रतीक भी माना जाता है। तो इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सबसे पहले उस लाल कलर की सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर वन, इंग्लिश पाउडर पिजन। ये पिजन्स देखने में बड़े ही अलग और ख़ास किस्म के होते हैं, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। इन्हें तीन अलग अलग पिजन्स की प्रजाति को क्रॉस ब्रीड करके बनाया गया है। हम देख सकते हैं कि ये बाकियों से बड़े ऊंचे होते हैं और इनका क्रॉप जो होता है वो भी आमतौर पर ज़्यादा बड़ा होता है। हालांकि आम पिजन्स की क्रॉप बहुत छोटा होता है। क्रॉप यानी पिजन के गले का हिस्सा, जिसमें ये अपना खाना या पानी स्टोर करके रखते हैं। इनके पैरों पर हम गौर करें तो ये दिखने में बड़े आकर्षक लगते हैं, जो कि तकरीबन 6 से 7 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। ये पिजन्स पालतू भी है और बहुत से लोग हैं जो इन्हें पालना भी पसंद करते हैं। इस पिजन के अनोखेपन के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। नंबर दो, फ्रील बैक पिजन। आप में से सभी ने करली बालों वाले इंसान या फिर किसी जानवर को तो देखा ही होगा, लेकिन अभी हम आपको करली पंखों वाले पिजन से रूबरू करवाने वाले हैं। इतना ही नहीं, ये एकमात्र ऐसा पिजन है जिस प्रजाति को काफ़ी सालों पहले कुछ चुनिंदा प्रजातियों को मिलाकर डेवलप किया गया, और अभी तक इस पिजन की प्रजाति उतनी ही मशहूर है जितनी पहले हुआ करती थी, जिसका कारण आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इनका पूरा शरीर एक नॉर्मल पिजन की तरह ही होता है, लेकिन कुछ हिस्सों को छोड़कर इनके बाजू के दो पंख जो है वे बेहद अलग अलग रंगों में भी हो सकते हैं, जैसे कि ब्लैक, ग्रे, ब्राउन, वाइट वगैरह। इतना ही नहीं, इनके पैरों पर भी इतने बड़े बड़े पंख होते हैं जिस कारण उनके पैर ही छिप जाते हैं, लेकिन ये दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ये पिजन्स इतने प्यारे हैं कि इन्हें गले लगाने का मन करता है। इनकी खूबसूरती के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है दोस्त। फैनटेल पिजन। हम जिस पिजन को देख रहे हैं वो फैंसी पिजन की दुनिया में सबसे पॉपुलर और खूबसूरत कबूतर माने जाते हैं। अब हम इनके नाम के बारे में जान लेते हैं, जो कि आप इस वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि इनकी पूंछ जो है वो फैन की शेप की है, जो कि दिखने में बड़ी ही खूबसूरत लगती है। इस खास शेप में करीब 40 पंख शामिल होते हैं। हम दूसरे पिजन को देखें तो उनमें 12 से 14 पंख ही हमें देखने को मिलते हैं। ये पिजन बहुत से अलग अलग देशों में पाए जाते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, इस पिजन का नाम अलग अलग कंट्री के हिसाब से भी रखा गया है, जैसे इंग्लिश फैनटेल या इंडियन फैनटेल और थाई फैनटेल। बहुत से लोग इन्हें शौक से पालते हैं। ये दिखने में बिल्कुल रॉयल लगते हैं। तो क्या आप इस खूबसूरत कबूतर को पालना चाहेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर चार, निकोबार पिजन। अब जिस कबूतर को आप देख रहे हैं उसको देखकर आपको ये कबूतर जैसा नहीं बल्कि किसी खूबसूरत पेंटिंग की तरह दिखाई देगा। ये नायाब कबूतर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पर पाए जाते हैं। इसके अलावा ये थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम के समुद्री तटों पर भी पाए जाते हैं। ये इतना ज़्यादा अमेजिंग और ब्यूटीफुल है, इसको देखते ही पालने का मन करता है। और इनकी बॉडी का रंग ब्लू होता है और पंखों के ऊपर ग्रीन, ऑरेंज, येलो, ब्राउन जैसे प्यारे प्यारे रंग होते हैं, और गर्दन के पास कुछ पंख लंबे होते हैं जो इनकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हैं। ये जहाँ पाए जाते हैं वहाँ के लोग इन्हें आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि ये सारे नेचर के नहीं होते हैं। इनके लिए चारा डालो और ये वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन दुख की बात तो ये है कि ये खूबसूरत पक्षी गायब होने की कगार पर है। नंबर पाँच, चाइनीज आउल पिजन। इस कबूतर के नाम के अलावा कुछ भी चाइना से बिलोंग नहीं करता है। असल में ये तो पिजन की कुछ खास ब्रीड्स को मिलाकर बनाया गया है, जो स्पेन और इंडिया में देखने के लिए मिलता है। इनका नाम चाइनीज आउल पिजन इसलिए रखा गया क्योंकि इनकी गर्दन गोल होती है और चोंच छोटी होती है, जो किसी आउल की तरह दिखाई देती है। इनको विस्ग्ड आउल भी कहा जाता है। इनके पंख तो इतने इंप्रेसिव होते हैं कि ऐसे पंख किसी भी कबूतर के देखने को नहीं मिलेंगे। इसी इंप्रेसिव पर्सनालिटी की वजह से इनको शोज और एक्सीबिशन में प्रेजेंट किया जाता है। कबूतर के ब्रीड आपको ब्लैक, ब्लू, ब्राउन और वाइट जैसे रंगों में भी देखने को मिलेंगे। आप इनको अपनी पसंद के हिसाब से घरों में भी पाल सकते हैं। नंबर सिक्स,
रोज क्राउन पीजन। ये पीजन की एक ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है। अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको नजर आएगा इनके सर पर एक प्यारी सी छोटी सी पिंक कलर की शेप होती है, जिसकी वजह से ये पंछी दिखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसकी वजह से इन्हें रोज क्राउन पिजन भी कहा जाता है। मेल और फीमेल इन दोनों के सिर पर ठीक एक प्रकार का पिंक कलर का मार्क होता है और दोनों का रंग भी कुछ हद तक एक जैसा होता है, जिस वजह से मेल और फीमेल को पहचानने में गलती हो सकती है। इनमें से हमें पिंक के अलावा और भी रंग देखने को मिलते हैं, जैसे कि इनके सामने की ओर ऑरेंज, लाइट पिंक, येलो, व्हाइट और इनके पंखों में ग्रीन और स्काई ब्लू। इनके साइज की अगर बात करें तो ये करीब 22 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के अलावा ये पक्षी इंडोनेशिया आदि देशों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, कौन कौन इस खूबसूरत पिजन को पालना चाहेगा? नंबर 7, जैकोबिन पिजन। इस पिजन को पहली बार देखने पर किसी भी इंसान को यही लगेगा कि ये कोई शाही पिजन ही है। और इन्हें हम अगर बाजू से देखें तो समझ में नहीं आएगा कि इनका सर कहां पर है, क्योंकि ये दिखते ही कुछ इस तरह से है। इस प्रजाति को काफी सालों पहले 1500 में रीड किया गया था। इस पिजन के सिर को पंख कुछ इस तरह से लगे होते हैं, जैसे कि मानो ये उसके बाल ही है। इस पिजन के ज्यादातर पंख काफी फ्लफी होते हैं, जो कि इन्हें बेहद अट्रैक्टिव लुक देते हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं, ये असल में एक स्मॉल पिजन होते हैं, लेकिन इनके पंख इन्हें एक मीडियम साइज पिजन दिखाते हैं। और इनके रंग की अगर बात करें तो हमें अलग अलग रंगों में ये दिख सकते हैं, जैसे कि सिल्वर, ब्लैक, ब्लू, येलो, पिंक, व्हाइट वगैरह। तो दोस्तों, क्या आप भी इस फ्लफी क्यूट पिजन को पालना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 8, ड्रम पीटर पिजन। अभी जो पिजन आप देख रहे हो वो पंखों से भरा हुआ है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि इनके शरीर पर ऊपर से नीचे तक बाकियों से काफी ज्यादा पंख हमें देखने को मिल सकता है, जो कि यूनाइटेड स्टेट में डेवलप की गई प्रजाति है। वहां पर ये पिजन सबसे ज्यादा पाला जाने वाला पिजन भी है। इन्हें अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिर ये है क्या। ये पिजन सिर्फ देखने में नहीं बल्कि स्वभाव में भी बहुत ज्यादा प्यारे होते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोग इन्हें अपने घरों में पालते हैं। ये बेहद अलग कलर्स में भी होते हैं, जैसे कि ब्लैक, व्हाइट या फिर ब्राउन। व्हाइट के कॉम्बिनेशन में ये स्मॉल मीडियम साइज के होते हैं। अगर चाहे तो आप भी इन प्यारे पिजन को पाल सकते हैं, क्योंकि ये काफी मशहूर पिजन में से एक है, जिनकी पॉपुलरिटी के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 9, स्पिनिफेक्स पिजन। इस खूबसूरत कबूतर के पूरे शरीर पर ब्राउन कलर है, जिस वजह से ये कबूतर दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक लगता है। ब्लैक ब्राउन कॉम्बिनेशन की वजह से यह कबूतर बाकी सब कबूतर से अलग लगता है। इसके सिर पर एक छोटा सा मुकुट भी होता है, जिसकी वजह से यह कबूतर दिखने में काफी आकर्षक लगते हैं। आपको बता दे, यह कबूतर ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जो कि बाकी सब कबूतर से थोड़ा छोटा होता है। नंबर 10, विक्टोरिया क्राउन पिजन। विक्टोरिया क्राउन पिजन को दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर भी माना जाता है। यह कबूतर अपनी विशेष शारीरिक संरचनाओं और खूबियों के लिए जाना जाता है। अपने नीले पंखों और सिर पर मुकुट के साथ यह बहुत सुंदर लगता है। नीले और हल्के भूरे रंग की इस पिजन की आंखें लाल होती है, जो इसको और भी ज्यादा आकर्षक बना देती है। इनके सर पर जो ताज होता है, इसी के कारण यह कभी कभी किसी मोर की तरह भी नजर आता है, जो देखने में काफी आकर्षक लगते हैं। इन सभी खासियतों की वजह से इसे किंग ऑफ पिजन भी कहा जाता है। यह दुर्लभ कबूतर आमतौर पर विदेशों में राय के जंगलों, न्यू गिनी के जंगली क्षेत्रों और कुछ द्वीपों में ही पाए जाते हैं। तो दोस्तों, आपको इन सभी कबूतरों में से सबसे प्यारा कबूतर कौन सा लगा और आप किस कबूतर को पालना पसंद करेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और आगे भी अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।